विज्ञापन मैं हूं आपका चहेता विजेता। कहते हैं कि अगर हम बिजली नहीं बचाएंगे तो फिर क्या जलाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा। जैसे पहले बहुत जमाना पहले रहता था, बिहार अभी रोशन हो गया है। फिलहाल आज खास दिन है क्योंकि आज एनर्जी को बचाने का दिन है और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो बहुत ही एक्टिव आईएएस ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ऊर्जा विभाग के और अभी रन कर रहे हैं बिजली को पूरे बिहार में और 2400 घंटे में तो बिजली मिलती है। पहले वाला बात नहीं कि पता ही नहीं चलता था क्या हो गया फिल्म में। तो आज है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सर, और इस दिन पे ये दिन बड़ा खास है, क्यों खास है ये? थैंक यू रौनक ये अवसर देने के लिए। जो वर्ष 1991 में पुरस्कार देना शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर पर जी, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे वॉलंटियर्स को, ऐसे उपभोक्ताओं को जो एनर्जी ऊर्जा को संरक्षित करते थे, बचत करते थे, फिर धीरे धीरे ये डेवलप हो गया इस कॉन्सेप्ट में कि इसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाए जी। तो आज हम 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके बैकग्राउंड में और बता दूं कि 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास हुआ जी, और फिर इसको पूरे देश में देखने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्थापित हुआ 2002 में जी। ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पर, और उसको देखने के लिए राज्य में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है रिडर, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जी। और संजीव हंस सर लगातार एक्टिव रहते हैं, तो सर क्या क्या योजनाएं हैं जो आपको इस बात पाना है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कितना बदल रहा है बिजली और क्या क्या नई चीजें हैं जो करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले तो जैसे आज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है, तो आज तो मैं पहले ऊर्जा को कैसे संरक्षित करना है, क्योंकि सीमित संसाधन है, बिल्कुल बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स पे आधारित ही ये हमारी बिजली का आज जनरेशन हो रहा है जी, तो ये सीमित है। तो इसके साथ साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना है। तो जो ऊर्जा हमें आज मिल रही है वो आवश्यकता के अनुसार ही इसका उपयोग किया जाए, इसकी दिशा इस दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं। राज्य सरकार ने अभी प्रारंभ में 18 लाख प्रीपेड मीटर्स के कनेक्शन और 5.5 लाख फिर प्रीपेड मीटर्स और बढ़ाए हैं एग्रीकल्चर के लिए जी। तो 23.5 लाख मीटर्स को प्रीपेड मीटर की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे ये हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि जिसको जब आवश्यकता है तभी वो बिजली का उपयोग करे। तो प्रीपेड मीटर्स की तरफ हमारा ये कदम उठाया गया है, 80,000 प्रीपेड मीटर्स लगाए गए हैं और सिस्टम अब लगभग स्टेबलाइज कर गया जी। सिस्टम स्टेबलाइज करने पर ही हम इसे पूरे राज्य में रोल आउट करेंगे। तो अभी शहरी क्षेत्रों में, खास शहरी क्षेत्रों में ये 80,000 प्रीपेड मीटर लगे हैं, और शुरुआती कुछ कुछ दिक्कतें थी और कठिनाइयां भी आ रही थी, एक तरफ उपभोक्ता की तरफ से शिकायत भी थी और दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी इश्यूज उठाए गए, अब लगभग स्टेबलाइज हो रहा है। सर जमाना डिजिटल है, तो कोई ऐसा ऐप है जहां हर चीज मिल जाए बिजली का भी, या कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हमको आना ही नहीं पड़े? और ये बहुत लोग शिकायत करते हैं कि अरे बिजली का बिल ज्यादा आ गया, ये हो गया, तो इसको कैसे कॉपअप कर रहे हैं? इसमें दो मामले हैं, एक तो है जो हम अपना कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं जी कि हमें विद्युत का कनेक्शन दिया गया, दूसरा है कि हमारा लोड कम था, हम लोड बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ा हुआ लोड था कम करना चाहते हैं जी। ये दोनों काम विगत वर्ष से ही हम लोगों ने सुविधा ऐप प्रारंभ की, सुविधा ऐप आप लोग नोटिस कर लें, सुविधा ऐप जी। तो सुविधा ऐप में उसको भी जैसे कोई भी ऐप बनाते हैं तो ये एक दोनों तरफ का ये मामला होता है, उपभोक्ता अपना मामला हमारे पास रखते हैं, हम लोग अपना मामला उपभोक्ता तक लेकर जाते हैं। अब इस सुविधा ऐप भी काफी स्टेबलाइज होगी, अब कंप्लीटली पेपरलेस है, किसी उपभोक्ता को अब नया कनेक्शन या लोड चेंज करने के लिए किसी कार्यालय या काउंटर पे आने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे अपने सुविधा ऐप से नया कनेक्शन ले सकते हैं जी। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो आपने पूछा बिल के बारे में, तो बिल के बारे में भी कई बार शिकायत रहती थी, विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं समय से बिल नहीं रीड करने आया, मीटर रीडर कलेक्शन में दिक्कत थी, लोग आज डिजिटल हो गए हैं, ऑनलाइन पे करना चाहते हैं लेकिन उसकी सुविधा नहीं थी। अब हम लोगों ने खासकर केसू एरिया के लिए ये सुनिश्चित किया है कि अब डोर स्टेप आपका कलेक्शन हो जाएगा ठीक है। इसके अलावा ये व्यवस्था की गई है, नए साल में ये हम प्रारंभ करेंगे, तो ये नव वर्ष का सभी उपभोक्ताओं के लिए एक तोहफा भी है कि
अगर 45 दिन तक भी कोई मीटर रीडर आपके यहां नहीं आता है तो उपभोक्ता स्वयं अपना सेल्फ असेसमेंट अपने मीटर की स्वयं फोटो खींच करके और हमारी वेबसाइट पे भेज सकते हैं, वेबसाइट पे उनको लिंक मिल जाएगा, वो बिल देख करके फिर पे कर सकते हैं जी। तो ये दो सुविधाएं हम शहरी क्षेत्र के कंज्यूमर और पेसू में डोर स्टेप कलेक्शन की देने जा रहे हैं। जस्ट सर लास्ट सवाल है, आप लोग हमेशा से एग्रेसिव कैंपेन करते रहे हैं उनके लिए जो टोका उका बजा देते हैं, बिजली चोरी करते हैं, भाई बहुत गंदा खराब बात है, लेकिन कुछ लोग अभी मानना नहीं करते हैं, मतलब बिहारी भाषा में बोले तो खतराई पर आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए ये जो मैंने पहले कहा प्रीपेड मीटर से तो स्वतः यह समाप्त होगा जी। दूसरा जो चूंकि प्रीपेड मीटर लगने में समय लगेगा, इस बीच में हम लोगों के यहाँ एसटीएफ है, एसटीएफ से हम लोगों ने आप देखे होंगे पिछले 10 दिन में लगातार रेट भी चल रहे हैं और पेनलाइज भी किया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि ये टोका वाली बात तो पहले जमाने में होती थी जब बिजली की स्कार्सिटी थी, अभी हम आत्मनिर्भर हैं, हम एक्स्ट्रा बिजली भी देने की पोजीशन में हैं, तो जितने लोग चाहे कनेक्शन लें और बिजली का उपयोग करें, अगर अवैध और इलीगल ढंग से पाया जाएगा तो पेनल्टी तो होगी, एफआईआर भी हुई भी है और हम लोग विद्युत कनेक्शन समाप्त भी किए हैं। आप देखेंगे कि कुछ एक चंद लोग होते हैं जो इस तरह का लाभ उठाते हैं जी, उसके कारण पूरी कम्युनिटी को पूरे समाज को भुगतना पड़ता, तो मेरी तो ये अपील होगी इस प्लेटफॉर्म पे इस मंच के माध्यम से कि रेगुलर वे में आए, और अब हमने इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि आपको बिना किसी काउंटर पे आए हुए कनेक्शन ले सकते हैं, चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, तो इसका लाभ उठाएं। तो ये थे हमारे साथ संजीव हंसर जो बता रहे थे कि भाई बिजली चोरी नहीं कीजिए, संरक्षण जरूर कीजिए और बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं घर बैठे। सुविधा ऐप खासकर एक डिजाइन किया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है जो दिक्कतें पहले आया करती थी वो खत्म हो जाएंगी। तो रोशन रहिए, मस्त रहिए, बिजली बचाइए जरूर, घर से बाहर निकलिए, पंखा वंखा एकदम बंद कर दीजिए, इसे भी ठंडा का मौसम है, पंखा चलाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमसे बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच, और सुनते रहना है बिग एफएम दोनों।